विपरीत करणी आसन है और यह आसन एक साथ सैकड़ों बीमारियों में आपको लाभ देगा। और किन किन बीमारियों में यह फायदा करता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और इसका करने का तरीका क्या है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। शरीर को सीधे हम पीठ के बल लिटा देते हैं और दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पर मोड़ करके ऊपर की ओर उठाते हैं, धीरे धीरे उठाते हैं। देख लीजिए कैसे पैर उठ रहा है। हाँ, इसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों हथेली को या मुट्ठी बांध करके कमर के नीचे लगा देते हैं इस प्रकार से, और ये पैर दोनों एड़ियाँ आपस में सटी हुई हैं। 5 मिनट तक कम से कम उसी स्थिति में आँख बंद करके सांस आप भरते छोड़ते रहिए। ये है विपरीत करनी करने का तरीका। और अब मैं आपको इसके फायदे को गिना रहा हूँ। यदि कितना भी पुराना घुटना दर्द हो, सियाटिका की बीमारी हो, तो आप इस अभ्यास को केवल 5 मिनट करके आप इससे ठीक कर सकते हैं। यदि अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती है, तनाव में रहते हैं, क्रोध ज़्यादा आती है, चिड़चिड़ापन के शिकार हैं, तो यह विपरीत करनी का अभ्यास केवल 5 मिनट। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो केवल 5 मिनट समय निकालिए अपने लिए। आँख बंद कर लीजिए, सांसों को धीरे धीरे भस्त्रिका जैसे करते हैं उस प्रकार करते रहिए। पैर एकदम 90 डिग्री पर होगा तभी जा कर के इसका लाभ आप उठा सकते हैं। आँखों को बीच में खोलना नहीं है, दोनों एड़ियाँ आपस में सटी हुई हैं, दोनों अंगूठा भी आपस में सटे हुए हैं, दोनों तलवा सीधे आसमान की तरफ खुला हुआ है। और मैं इधर से भी दिखा रहा हूँ। शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको मधुमेह की समस्या है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, टाइप 1 में पैंक्रियाज लगभग काम करना बंद कर देता है और इंसुलिन का निर्माण उसमें या तो बंद हो जाता है या रुक रुक के होता है। टाइप 2 में इंसुलिन निकलने या पैंक्रियाज के काम करने के जो तरीके होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो दोनों टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के डायबिटीज यदि हैं हमारे पास, तो आप इस अभ्यास को करके सांस को धीरे धीरे भरेंगे, इससे पैंक्रियाज भी एक्टिव हो जाता है। यदि आपको लीवर की कोई समस्या हो, फैटी लीवर हो, यदि SGPT SGOT बढ़ा हुआ हो, उसमें भी बहुत लाभकारी है। यदि आपको किडनी की कोई समस्या है, पेशाब में जलन आ रही हो, रुक रुक करके पेशाब हो रहा हो, तो उसमें भी इसका अभ्यास कर सकते हैं 5 मिनट कम से कम। यदि कमर में भी दर्द हो तो कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। यदि ऐसे स्थिर रखने में दिक्कत आती हो किसी व्यक्ति को, तो आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस दीवार में पैर सटा दीजिए, यहाँ पर उस दीवार में लगाइए पैर को। मैं दिखा रहा हूँ कैसे सपोर्ट के साथ इसको कर सकते हैं। हाँ, कोई ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, आप सपोर्ट ले करके और देख सकते हैं और कमर को सटाइए उसमें पूरा। और ये अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें आराम रहेगा और अभ्यास भी पूरा होगा। आँख बंद करके और रोके रहिए कम से कम 5 मिनट तक। इसे ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होने लगता है और यदि शरीर के नस नाड़ियों से संबंधित हजारों बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए यह बहुत शानदार अभ्यास है। यदि किसी व्यक्ति को पाचन शक्ति
डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा हो, अम्ल पित्त है, एसिडिटी हो रहा है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसलिए इस विपरीत करणीय अभ्यास को प्रतिदिन 5 मिनट आप कर सकते हैं। आप संध्या बेला में भी कर सकते हैं, अपने सोते समय खाली पेट में करना चाहिए। आप सुबह उठते भी कर सकते हैं, शाम को खाना खाने के पहले भी घर में कर सकते हैं। तो इस अभ्यास का आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब धीरे धीरे आराम से पैरों को नीचे उठा गिराएंगे। तो आज मैंने आपको एक ऐसे, अब जितना देर पैर उठाते हैं उसके 1/4 समय तक पैर को नीचे पसार करके आंख बंद करके और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने देते हैं। ये इसका विपरीत अभ्यास होता है। यदि आपने उल्टा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को जारी रखा है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अचानक बैठना नहीं है, यही सावधानी है उसकी। यहाँ पर भी बहन जी कर रही हैं, घुटना में दर्द हो तो 10 मिनट तक भी इसको कर सकती हैं, क्योंकि बहुत दीवार का सपोर्ट ले लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा आपको, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप सबसे एक बार पुनः ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। धन्यवाद।